I have one announcement to make. Mr. MS Dhoni will join Team India as a mentor for upcoming T20 World Cup. टीम इंडिया की T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस में दोस्तों सबसे बड़ा दिलचस्प मोड़ तब आया जब महेंद्र सिंह धोनी को मेंटर के रूप में नियुक्त किया गया। ये सबसे बड़ी खुशी है फैंस के लिए, इसको सुनकर हर कोई दंग है। लेकिन आप सभी को बता दें इसके पीछे जो मास्टरमाइंड कहे जा रहे हैं वो जय शाह बताए जा रहे हैं। जय शाह ने बड़ी ही चालाकी से दोस्तों, या यूं कहें कि बड़े ही गुपचुप तरीके से महेंद्र सिंह धोनी की टीम में एक बार फिर से मेंटर के रूप में नियुक्ति करा दी है, जिसके लिए फैंस कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि महेंद्र सिंह धोनी इसके लिए राजी हो जाएंगे। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के लिए कितने असरदार साबित हो सकते हैं 2007 का वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, ये आपको शायद बताने की जरूरत ना पड़े। तो जय शाह की दोस्तों आपने बातें सुनी कि उन्होंने क्या कहा था महेंद्र सिंह धोनी की एंट्री पर, और आपको क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी की एंट्री से विराट कोहली की कप्तानी में इतना सुधार हो जाएगा कि वो T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा पाएंगे? अगर ऐसा लगता है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्या टीम इंडिया में वर्ल्ड कप के दौरान जो मेंटर नियुक्त किए गए महेंद्र सिंह धोनी उसके लिए आप खुश हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों कई और ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहले भी कोच के रूप में काफ़ी नाम सामने आए, जैसे राहुल द्रविड़ हो गए, यहाँ पर और भी कई सारे क्रिकेटर्स हैं, लेकिन क्या महेंद्र सिंह धोनी मेंटर के रूप में सही है या नहीं, लाइक करके जरूर बताएगा। साथ ही साथ दोबारा सुनिए जय शाह ने क्या कहा था धोनी की वापसी पे। आई हैव वन अनाउंसमेंट टू मेक। मिस्टर MS धोनी विल ज्वाइन टीम इंडिया एज अ मेंटर फॉर अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप। आई एम ग्लैड दैट MS हैज एक्सेप्टेड BCCI's रिक्वेस्ट एंड ही विल join Team India for upcoming T20 World Cup. MS will work closely with Ravi Shastri and other support staff to support Team India.